आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तारामंडल स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय के प्रदर्शनी हाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को गांधी जी के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसके संबंध में प्रोफेसर डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने बताया कि गांधी जी के आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय जनता के संयुक्त शक्ति का एहसास कराया और देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। महात्मा गांधी जी के कारण भारतीय स्वाधीनता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला और उनके दृढ़ संकल्प तथा इच्छा शक्ति का लोहा पूरे विश्व ने माना। उन्होंने विश्व को अहिंसा की शक्ति भी दिखाई। गांधी जी का जीवन देश सेवा के लिए समर्पित रहा। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी आज़ादी के महान नायक थे, जिनका आदर्श जीवन एवं संघर्ष हम सब के लिए स्वतः में महान संदेश है। इस अवसर पर SN आर्या, मनीष कुमार यादव, शौर्य द्विवेदी, भालचंद मिश्रा, विनीत पाल, हरदेव सिंह, सुनील शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर रेखा रानी शर्मा एवं राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक मनोज कुमार गौतम ने कहा, आप लोग भी साथ में पूरे समाज को चलाते हैं। ये पिक्चर देखते हैं, ये जो है इसके पहनावे को आप देखते हैं। कार्ड मोहन बैठा है, शूटिंग बैठ करते हैं, बोले छूट पहने हुए सॉफ्ट पेज के आप पीछे पीछे साइकिल थोड़ा सा भीड़ लगेगी। ये आज राजकीय बौद्ध संग्रहालय द्वारा महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर आज ये छायाचित्र प्रदर्शनी लगी है। बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी मिल सके कि हमारे देश के लिए महात्मा गांधी ने कितने बलिदान दिए, कितने कार्य किए हैं। बहुत ही अच्छा छायाचित्र है, बहुत ही सारगर्भित है। इसे हम देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जिसको हमने कभी नहीं देखा, और इस चित्र के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को जरूर कुछ न कुछ अनुभव होगा, कुछ सीखेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि आप आए, हमारी जो पीढ़ी है उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है, उनको देखें, समझें और देश के प्रति अपना
सकते हैं कि अपना समर्थन करें और ऐसे ही देश प्रेम बनाए रखें। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है 30 जनवरी 2023 को, उसी के पूर्व संध्या पे हमने ये कार्यक्रम किया है जिसमें गांधी के जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक के घटनाक्रम को दिखाया गया है और बहुत ही अभिलेखी और तथ्यों से युक्त यह प्रदर्शनी है। और इसमें मैं चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं, आम जन हैं, आकर के इस प्रदर्शनी को देखें और गांधी के जीवन एवं दर्शन और व्यक्तित्व को समझें कि गांधी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और देश के लिए कैसे कार्य किया, और जिसमें असहयोग आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है या अन्य जो इनके आंदोलन रहे हैं, उसमें कैसे देश को एकीकृत किया, देश को जोड़ा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को का मार्ग प्रशस्त किया, इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है।